दोस्तों, मैं निक्की आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मेरी खुद की लिखी हुई एक कहानी, जिसका शीर्षक है अलमारी का वो कोना। गर्मियों की छुट्टियाँ थीं, जून का महीना, और बाहर चलती हुई धूल से भरी गर्म हवाएं। आज पराठे बहुत अच्छे बने थे माँ, मज़ा आ गया। माँ को रसोई में आवाज़ लगाते हुए मैंने बोला तो सामने से जवाब आया, तेरा खाना खिलाना हो गया हो तो चल ज़रा मेरे साथ, आज वो पुरानी अलमारी की सफाई करानी है। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ, जवाब देते हुए मैं झट से उठकर भागी। अलमारी काफ़ी पुरानी थी, इसलिए उसमें पड़ा सामान भी पुराना ही था। धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ सामान मैं एक एक करके बाहर निकालने लगी। कुछ अखबार, किताबें, कॉपियाँ, बिखरी हुई फाइल्स और एक टूटा हुआ बैग। माँ, ये तो वही बैग है ना, जो एक रोज़ स्कूल से लौटते समय पारुल और स्नेहा के साथ खेलते वक्त टूट गया था। हाँ, मगर अब तुम बड़ी हो गई हो, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें हटा दे, माँ ने ज़रा झुंझलाते हुए कहा। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी, बैग में रखा सारा सामान निकाल कर देखने लगी। तभी अलमारी के कोने में एक किताब रखी थी, उसे बाहर निकालते हुए माँ बोली, बेटा ज़रा देख तो, ये किताब किसी काम की है क्या? मैंने जैसे ही उस किताब को देखा, एक पल के लिए मानो समय थम सा गया, क्योंकि ये बचपन की वही ड्राइंग बुक थी जिसमें मैं और भैया एक दूसरे की आढ़ी टेढ़ी तस्वीर बनाया करते थे। मैं किताब के पन्ने पलटती जाती और अपनी आँखों से बह रहे आंसू पोंछती जाती। आंसू तो बहने ही थे, क्योंकि इस किताब ने उन बरसों पुराने जख्मों को जो कुरेद दिया था, जब कई साल पहले भाभी के कहने पर भैया अपनी विधवा माँ को छोड़कर बनारस शिफ्ट हो गए थे। माँ बहुत गिड़गिड़ाई कि मत जा, मैं अकेली हो जाऊँगी, ये सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी कर पाऊँगी। मत जा बेटा, अभी तेरी बहन की शादी भी है, मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी। लेकिन भैया ने माँ की एक नहीं सुनी, अपना और भाभी का सामान बांधा और चले गए, मुझे और माँ को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में थी, घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने नौकरी पकड़ ली। बिखरते हुए घर और माँ की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा ली। भाई ने तो दोबारा कभी पलट कर नहीं देखा, लेकिन हालातों ने मुझे ज़रूर एक बेटी से बेटा बना दिया। अरे कहाँ खो गई, जल्दी इस अलमारी को समेट, और भी काम पड़े हैं, माँ ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा। और मैंने एक बार फिर से उन सारी यादों को समेट कर सजा दिया अलमारी का वो कोना। यही होता है ना हमारी ज़िंदगियों में भी, कुछ बातें, कुछ किस्से बस अलमारी की एक याद बन के रह जाते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिप्लाई ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली कहानी, अगली पोएट्री के साथ। Thanks for watching this video.